जय, कहाँ है यार तू? जल्दी आ, आंटी यहाँ पर जान खा रही है। माँ, ठीक से बैठ। जय कहाँ है? हैं? पापा, जय कहाँ है? आधे घंटे पहले बोला था कि 5 मिनट में पहुँचता हूँ। अब तो 3 घंटे हो गए, पता करो कहाँ है। आंटी, हा? जय आ गया क्या? इसी की कमी थी। जा वहाँ बैठ। आओ बेटा, आओ यहाँ आओ। गया काम। हाँ आंटी, बोलिए। मेरे बच्चे नालायक, हमने आज जय के लिए पूजा रखी है, उसकी खुशहाली के लिए। सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, और तू आकर पूछता है जय कहाँ है। अब मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तू बता। लो, इसे खोल के मत देखना, कबर में रख दो। ये कब आया? इतना ट्रैफिक है, पैदल आता तो जल्दी पहुँच जाता। बेटा, पीने के लिए कुछ ठंडा लाऊं? नहीं नहीं, चलो पहले पूजा कर लेते हैं। बहुत गुस्से में लगता है। इसके गुस्से की आग को सिर्फ तू ही बुझा सकता है बेटा, की तो आग भड़क जाएगी। ओम सुमुखस्य गदंतस्य कपिलो गजकंडकः लंबोदरस्थो विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठे श्रुयादपि। ओम गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि, वाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आरती ले लीजिए। चलिए आशीर्वाद दीजिए। फायरमैन है, आग से डरते हैं। अगर आग में फंस गए तो खुद को कैसे बचाएंगे? अगर आग लगी तो मुझे बचाने के लिए जय है ना, मुझ पर इतनी सी भी आंच नहीं आएगी। हाँ, हाथ कहाँ डाला था? एक लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा तो उसको अच्छे से धो डाला। असल में उसने इसको धो डाला। आजकल की लड़कियां जमीन पे कम, आसमान में ज्यादा रहती है। हमारा सुसाइड कॉन्टेस्ट खुल चुका है, बम्पर प्राइस जीतने के लिए जल्दी एसएमएस कीजिए। ए, हार्ट टूटने के लिए, बी, पैर टूटने के लिए, और सी, मरने के लिए। जी सर, मैं यही हूँ। आत्महत्या की कोशिश है, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। जी सर। मैडम, मैं सॉफ्ट पुलिस वाला हूँ। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बचा लूंगा आपको। मेरी बात मानो, कॉन्फिडेंस रखो। मुझे तुम्हारी आवाज में ही कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। हाथ देने के बाद जान से हाथ तो बैठी। तो आप यहाँ 2 घंटे से खड़ी हैं, और खड़ी रही तो थक कर गिर जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखो, हाथ पकड़ लो ना। नहीं। तुम जिंदा रहना चाहती हो या नहीं? मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन हाथ धोकर आओ। हाथ तो मैं धोने के बाद भी नहीं धोता हूँ। अभी तक हमारे पास 10,000 से भी ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं। इतना बड़ा रिस्पॉन्स हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया है। वो देख, 18वें माले पे। चलिए पीछे हटिए, ये क्या तमाशा लगा के रखा आपने? मामला क्या है? वो सुसाइड करने के लिए वहाँ चढ़ी थी, पर ना तो उसमें कूदने की हिम्मत है और ना ही वापस अंदर जाने का हौसला। 3 घंटे से वहीं पर खड़ी है। आप लोग उसे खिड़की से हाथ डालकर खींच लो। हमारी शक्ल देखकर उसे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि हम उसे बचा लेंगे। हम सब ट्राई कर चुके हैं, आप चाहो तो आप भी करके देख लो। मुझे नहीं लगता वहां तक सीढ़ी पहुंचेगी। मैं ऊपर जाता हूं। हिलो मत। आप लोग यहाँ आइए। सर वो, डरिए मत, आप वहां जाइए। Thank you.
तुझे? हाँ? थैंक यू बेटा, तू ठीक तो है ना? चल अंदर। ये म्यूजियम क्यों बना रखा है? जब सर को इमरजेंसी के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ निशानी जरूर लेकर आते हैं। वो नारायण कंस्ट्रक्शन केस का क्या हुआ? तेरी वार्निंग के बाद से उसने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, मैंने सुना है कल वाली इमरजेंसी बड़ी रोमांटिक थी। कई लोगों के कहने के बावजूद वो लड़की 3 घंटे अंदर नहीं आई और तुम्हें देखते ही अपना हाथ तुम्हें दे दिया। सारे शहर में इस बात के खूब चर्चे हो रहे हैं। वो लड़की वहां पर सुसाइड करने के लिए चढ़ी थी। लोग उस एक्सीडेंट में भी रोमांस का इंसिडेंट ढूंढ रहे हैं। वो खूबसूरत लड़की ऊपर सुसाइड करने चढ़ी थी, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? हमने 70% ऑफ से जो ड्रेस खरीदी थी, तुझे वो पहननी चाहिए थी। ऐसा क्या? हेलो। हाय सोनाली। हाय श्वेता, बोल बोल। आज के पेपर में तेरी फोटो आई है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे टुमारो टाइम्स वाली देख, उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ये सुन कि मैंने फोन क्यों किया। पहले तो फोटो देख, उसके बाद ही मैं सुनूंगी कि तूने फोन क्यों किया। इसे भी लगा दे। डैडी ने बुलाया है। डैडी, आ गई पूरे शहर में हमारी नाक कटवाने वाली। तुमसे अच्छे तो वो किडनैपर होते हैं, पैसे मांगने के बाद कम से कम 2 दिन का टाइम तो देते हैं। क्या इस तरह से घूर क्या रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? ये लो, ये रहे 2 लाख रुपए। अब चाहे इन्हें इस्तेमाल करो या पेट्रोल डालकर आग लगा दो। जाओ यहां से। बेटी दिव्या, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो मेरी बेटी का साथ छोड़ दो। नहीं तो तुम भी इसके जैसी ही बन जाओगी। तेरे सुसाइड के ड्रामे से लगा तुझे छोटी रकम चाहिए होगी, 2 लाख का क्या करेगी तू? चल मैं बताती हूँ। तू मुझे हॉस्पिटल क्यों लाई है? बदन दर्द है? अरे नहीं यार, तो लूज मोशन है। डॉक्टर आ गए, ग्राउंड पे गए हैं। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। कब तक आएंगे वो? बस आते ही होंगे। ओके, हाय। नमस्ते दीदी। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तूने इनके लिए खतरा मोल लिया? अच्छा, तो आ गई। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाथ कैसा है? दबाओ तो दुखता है। तो दबाओ मत। ये लीजिए पूरे 2 लाख रुपए कैश। गिन लो, कम तो नहीं है। ये क्या डॉक्टर सर, इन गरीब अनाथों के लिए ये अपनी जान खतरे में डालकर पैसे लाई है? अगर 3-4 हजार कम हुए तो हॉस्पिटल का दिवाला नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, इसने तुम्हें क्या बताया कि 2 लाख रुपए इन्हें दान में देने आई है? गई काम से। 10 दिन पहले इसने इसे कार से उड़ाया और बोल कर गई कि 10 मिनट में आती हूँ, और आ जा रही है। और वो भी तब जब स्टाफ के किसी आदमी ने इसे पहचान लिया और इसकी कार छीन ली। इस व्हील चेयर के अलावा इसने कुछ नहीं दिया।